अब हम आगे आते हैं अगली स्लाइड में, प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। अब एक ऐसे मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम बनाना जो इंटीग्रेटेड हो, इसमें सबसे पहले आ रहा है द मार्केटिंग मिक्स। द मार्केटिंग मिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नील बॉर्डन। इन साहब ने 4 P's इंट्रोड्यूस करवाए थे मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। दीज 4 P's आर कम्बाइंड टू कैप्चर एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट है क्या और इसको क्या हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट और यूनिक करता है। दैट व्हाट इज़ आर प्रोडक्ट, नोइंग अबाउट आर प्रोडक्ट एंड व्हाट मेक्स आर प्रोडक्ट यूनिक। देन द प्राइस, प्राइस बहुत मैटर करती है। प्राइसिंग डिसीजंस क्या होंगे, बिकॉज प्राइसिंग डिसीजन विल इफेक्ट आर प्रॉफिट, विल इफेक्ट आर सप्लाई, विल इफेक्ट आर डिमांड। प्राइस विल इवन इन्फ्लुएंस आर नेक्स्ट 2 P's विच आर प्रमोशन एंड प्लेस। प्रमोशन क्या कहता है, प्रमोशन में आ जाती है एडवर्टाइजिंग, पब्लिकाइजिंग योर प्रोडक्ट, पब्लिकसिटी उसकी, सेल्स उसकी, प्रमोशन उसकी, प्रमोट करना उसको कैसे करना है। फिर आ जाता है प्लेस, कि कौन सी जगह पे हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कौन कौन सी एरिया में ये प्रोडक्ट की डिमांड है, हमें इसको सेल करना है, कौन कौन सी जगह पे नहीं है, उधर नहीं भेजना फजूल में। बेसिकली ये जो 4 P हैं ये कहते हैं दैट पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस, एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, दिस इज ऑल अबाउट द 4 P's, द मार्केटिंग मिक्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटिंग द मार्केटिंग ये होती है दैट यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर कस्टमर बिहेवियर इन योर प्रोडक्ट्स फेवर, इन योर कंपनीज फेवर। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट कम्युनिकेट्स एंड डिलीवर्स द इंटेंटेड वैल्यू टू चूज़न कस्टमर। एक ऐसा प्लान जो कम्युनिकेट करता है, जो हमारा जो कस्टमर है उसको डिलीवर करता है हमारा एक इंटेंटिव, हमारा इंटेंशन उनको उसी लाइन में लेके आता है। ईच ब्रांडिंग एफर्ट जो हम कर रहे होते हैं ना, प्रेजेंट्स इन अ सिमिलर वे दैट री इन्फोर्स ब्रांड मैसेज। जो भी हमारी प्रमोशन का, जो भी हमारा तरीक़ाकार होगा, कोई भी हमारा ऐसा एफर्ट होगा, वो एक ही बात कर रहा होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, अब कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। कि तमाम वो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ बिल्ड करें और रिटेन करें, मेंटेन करें एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग देम द product, the service they are demanding, they are wanting us to deliver, और इस तरह हम उनके साथ customer value and satisfaction बना लेते हैं। relationship building blocks, customer value and satisfaction। अब हमने customer की value क्या है, जो customer perceived value और customer satisfaction क्या है। customer perceived value the difference between total customer value and total customer cost। जो ये डिफरेंस होगा, जो आपके टोटल कस्टमर का जो आप वैल्यू ऑफर कर रहे हैं और जो कॉस्ट आ रही है, उसको कहलाया जाएगा कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। वेयर एज सेटिस्फैक्शन इज द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस द बायर्स एक्सपेक्टेशन। सेटिस्फाई तब हमारा कस्टमर होगा जो हमने उसे प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हमने उनको दी हैं, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारे कस्टमर की, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस थी, उसको वो मैच कर गई हैं, देन वी हैव सेटिस्फाइड आर कस्टमर। द वैल्यू विच वी क्रिएटेड अबाउट आर प्रोडक्ट, अबाउट आर सर्विस टू आर कस्टमर, वी हैव डिलीवर्ड इट टू देम। कस्टमर रिलेशनशिप लेवल्स एंड टूल्स, बेसिक रिलेशनशिप्स, फुल पार्टनरशिप्स।